छापना, हम सच सवर के आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर, जल्दी आइए ना। आगे आगे रानी साहबा कीजिए। बीरबल आप? हाँ हम। रानी साहबा, ये आपके चेहरे पर। हाँ बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी और नहीं तो क्या। हम जहाँ पना का इंतजार कर रहे थे, सच सवर रहे थे उनके लिए। अरे लेकिन झापना है कहाँ? झापना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाने गए। रानी साहबा, वो सजनीगंधा नहीं, रजनीगंधा के फूल होते। बीरबल, उसे सजनीगंधा का फूल कहते हैं। सजनीगंधा का फूल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। अरे नहीं नहीं रानी साहबा, सजनीगंधा का कोई फूल नहीं होता, रजनीगंधा वो छोटे छोटे से। हम कह रहे हैं ना बीरबल, और कैसे भी आपको कैसे पता होगा सजनीगंधा का फूल क्या होता है। चापना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाएंगे तो हमारा प्यार 28 जन्मों तक बना रहेगा। 28 जन्मों तक। जब एक प्रेमी एक प्रेमिका को वो बड़ा सा सजनीगंधा का फूल देता है ना, तो प्यार जन्म जन्म तक रहता है, 28 जन्मों तक। जरूर आएंगे रानी साहिबा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि लगने वाला है आपको बहुत बड़ा झटका। अब्बा हुजूर। वो अब्बा वासु, उस तरफ अब्बा हुजूर है क्या? नहीं है। उस तरफ है? नहीं है। अब्बा हुजूर कहाँ गए? क्या क्या क्या? अरे मामू जान, आप घबराइए मत, जब तक आपके भांजे के ये फौलादी हाथ जिंदा है तब तक हम आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि शाही खून है हम। हाँ सलीम भाई साहब, जो गिर गया वो मर गया। अरे पिताजी उठो, पिताजी हम आपको कभी मरने नहीं देंगे। दीमा औलाद है ये यमराज। ना यमराज ना गुंडा राज, यहाँ पर है सिर्फ फूफू राज दीमा। हाँ मामू जान, वैसे हमने अब्बा हुजूर को पूरे महल में ढूंढ लिया, कैद खाने घुसल खाने मैं खाने, लेकिन हमें अब्बा हुजूर कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके बिस्तर के सिराने भी ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं मिले फूफू। अरे तुम लोग के दिमाग में जुए घुसी हुई है। अरे जहाँ पना जंगल में गायब हुए हैं और तुम लोग ढूंढ रहे हो महल में। तो पिताजी आपको क्या लगता है कहाँ ढूंढना चाहिए फूफू को, आप ही बताइए ना। भाड़ में जाओ तुम लोग। भाड़? सलीम भाई साहब, इसका मतलब कि फूफू भाड़ में चले गए हैं। तो भाड़ किधर है? चल भाड़ में। फूफू हम आ रहे हैं भाड़ में। अब्बा हुजूर भाड़ से बाहर आइए। मच्छर मार्श, मक्खी मार्श, क्योंकि जहां पना के बिना सोना है दरबार। सुना सुना कह रहे थे बलदेव जी, सुना। और यह कौन का बक्स हो रहा है? हम दरबार आते ही हैं जागने के लिए, खुद को जगाने के लिए। जागते रहो, जागते रहो। पर हमारी आत्मा तो बुझती जा रही है बीरबल। 28 जन्मों का साथ निभाने का सपना देखा था हमने, इस जन्म में ही लाले पड़ गए। हमें तो लगता है कि गोरी छोरी काली ना पड़ जाए। आ जाओ जहां पना आ जाओ। रानी साहबा की जय। बबूलाल रुक जाइए, आप सब बैठिए, डरा दिया उसे, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए, आइए आइए बबूलाल जी, आइए, डरिए मत, बताइए क्या खबर लाए। बीरबल जी, तोना गढ़ के जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी जापना का कहीं पता नहीं चला। पर हाँ, जंगल के अंदर एक मनोहरी झील है, जिसके तट पर हमें एक चीज मिली है। चीज? अरे हाँ, सजनीगंधा का फूल मिला होगा उन्हें। जरूर जरूर जहां पना ने वो सजनीगंधा का फूल झील के किनारे रखा होगा, और वो खुद मगरमच्छ का शिकार करने तैरने निकल गए होंगे। वो आएंगे, तुम जल्दी से वो फूल लेकर आओ। रानी साहब, आप बताइए, भोपूलाल जी, क्या कौन सी चीज मिली आपको?
खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ रानी साहबा कि जिसने भी जापना का ये चित्र बनाया उसे जापना के बारे में ताजा और बारीकी से जानकारी। अरे कौन है ये चित्रकार जिसने किया है चमत्कार धरना। ओह झील के पास मिला अक्स, राज है इसमें कुछ गहरा जिसे सुलझाएगा हमारा हमारा राग, हमारा राग रागे पे रागे पर धावा। आप सही कह रहे हैं तानसेन जी, जंगल के सभी आदिवासी यही बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि मनोहरी झील में एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी? 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 यक्षिणी वो होती है जो प्रकृति की रक्षा करती है। मैं हूं यक्षिणी, इस झील की रक्षा। अगर किसी ने इसका पानी या बिन मेरी इजाजत आ जाएगी उसकी शाम। मित्र बीरबल, हमें लगता है उस यक्षिणी ने किया जा बना का भक्षण और उन्हें बना दिया चित्र। चित्र मनोहरी झील के मनोहर किस्से हमने भी बहुत सुने, बड़े विचित्र। इसका मतलब कि हमारे जहां बना ये चित्र बन गए और हम इनकी पत्नी, ये हमारे शौहर। ओह इस यक्षिणी ने इन्हें चित्र क्यों बनाया? कोई पंछी बना देते जैसे कि कोयल। हम दोनों कीकू कीकू कुकू कुकू तो करते साथ में। कीकू कीकू कहा था ना रानी, लग गया ना झटका, अब बैठ के याद करो अपनी नानी। क्या है ये यक्षिणी का सत्य, स्वयं मनोहरी झील जाकर पता करना होगा। ओ जहां पना, पहली बार प्रेम प्रतिज्ञा की फूल लाने गए थे, कागज के फूल बनकर लौट आए। हमारा मतलब है कागज के सनम। हो हो अब तो रोया भी नहीं जा रहा है, आंसू सूख गए। तो ओ मंगनी दीदी सा गड़ी खंबा सा मारे को तो लागे से। क्या लागे सा? मारे को तो लागे से। अरे क्या लागे से? मारे को तो लागे से चीचा सा की कोई चाल तो नहीं। क्या अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, शाइकून है हम और हम आपके लिए लाए हैं मीठे मीठे अंगूर। लावे लीजिए अब्बा हुजूर, खाइए 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 ना। नहीं खा रहे, हम ही खा लेते हैं। क्या? अरे ये तो तीखे हैं। हाँ मुझे
हुआ था सलीम भाई साहब, मैंने अंगूर को आचार में डुबो दिया था क्योंकि फूफू को तीखा बहुत पसंद है ना, इसलिए दिमाग और साथ में चटपटा शरबत भी बनाकर लेकर आया हूँ। सलीम भाई साहब हटिए, फूफू पी लीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए पीजिए, अब नहीं पी रहे। हमें तो लगता है कि आज अब्बा हुजूर का शाही उपवास है। ये भी कोई उपवास है? अरे उपवास तो हमारे मैके में लोग क्या करते थे, और क्या उपवास करते थे, क्या उपवास करते थे। अरे खाना पीना तो दूर, सांस भी अंदर नहीं लेते थे। अरे सांस से याद आया, देखे तो इनकी सांसें चल रही कि नहीं। सांस 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 सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, चल रही है। ला शरबत हम पी लेते। क्या हुआ फूफी, आपने शरबत क्यों नहीं पिया? मासू बहुत अच्छा शरबत है, बहुत ही अच्छा शरबत है कि हमें नहीं पीना। मुझे पता है फूफी, इसीलिए तो मुझे कहते हैं डासू, क्योंकि इस प्याज के शरबत को बनाने में मेरे निकल गए थे आंसू। हाँ पारा फूफू, शरबत की एक चुस्की लीजिए ना फूफू, पीजिए ना फूफू, एक चुस्की शरबत की कीमत आप क्या जाने फूफू बाबू। खामोश खरगोश। तो यही वो जगह है जहां से जापना गायब हुआ। क्या सचमुच में कोई यक्षिणी है जिन्होंने जापना को तस्वीर बना दिया, या फिर जापना? अरे जापना कहां है आप? शीतल निर्मल झील का पानी। चलिए बीरबल, पहले प्यास बुझाई जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस झील का पानी ग्रहण नहीं कर सकते। ओहो, तो आप ही हैं, क्या कहते हैं उसे, वो यक्षिणी? आप सचमुच में हैं? यदि हमने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ये पानी पी लिया तो उसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा। बहना, हमें कुछ कहना है। ये बीरबल जी दरबार में दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए होंगे? अभी अभी हम झील के किनारे थे, अचानक महल में कैसे आ गए? आप यहां? ये मेरी शक्तियों का असर है। अब समझ आया मैं क्या कर सकती हूं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कोई उस झील से पानी नहीं पी सकता। यक्षिणी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपके चमत्कार को हमारा नमस्कार, मगर आपने ऐसा किया क्यों? हिंदुस्तान के बादशाह को तस्वीर में क्यों कैद कर दिया? मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए अनुमति के बिना उस झील से पानी पिया, इसलिए आज वो चित्र बनकर यहां खड़े। इतनी बड़ी गुस्ताखी! सिपाहियों, इस यक्षिणी का सर से धड़, धड़ से सर, जो भी हो धड़ा धड़, तुम जाओ और गिरफ्तार कर लो इस यक्षिणी को। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अगर प्रयत्न भी किया तो वहीं खड़े मूरत बन जाओगे। बलदेव जी, इन्होंने जहांपनाह को तस्वीर बना दिया, हम झील के किनारे थे, अचानक महल में पहुंच गए, ये यहां प्रकट हो गई, और आप इन्हें? ये यक्षिणी जी हैं। ओ यक्षिणी,
हम भी ठेठ राजपूतानी है, कागज के सनम के साथ हम गुजारा कर लेंगे लेकिन सिर झुकने नहीं देंगे। आप तो गुजारा कर लेंगी रानी साहिबा, प्रजा का क्या? प्रजा ये तस्वीर लेके घूमेगी? देखिए हमें बात करने दीजिए। यक्षिणी जी, कोई तो रास्ता होगा, जापना को फिर से हमारे हंसते खेलते जापना बना दीजिए। आपके जापना ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था जिसका वो दंड भुगत रहे हैं। उस दंड से उन्हें मुक्त कराने के लिए, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए किसी एक को मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अरे तीन क्या, आप 3000 सवाल पूछ लीजिए क्योंकि मेरे पास है भंडार दिमाग का। और सामान्य ज्ञान में तो हमें भी 100 में से पूरे 17 अंक मिले थे, तो कम से कम 17 सवालों के जवाब तो हम भी दे सकते हैं क्योंकि शाही खून है हम। याद रहे, एक भी प्रश्न का गलत उत्तर तो जापना हमेशा के लिए तस्वीर में कैद रह जाए जन्मों जन्मों तक। क्या? यानी 28 जन्म हम इस कागज के सनम के साथ गुजारने होंगे? हम देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। ये लेकिन यक्षिणी जी, आपको हमसे वादा करना होगा, यदि हमने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप हमारे जापना को पहले जैसा बना देंगे, उन्हें इस तस्वीर से आजाद कर देंगे। ठीक है बीरबल, कल हम इसी समय पर वापस आएंगे और आपसे 3 सवाल पूछेंगे। विदा। अरे कहाँ चल गया? भी इतने तंग होते जा रहे हैं। पानी में नींद की दवाई मिलाने सुरसरी और उसने वो पानी पिया भी। अब तो 2 दिन तक बस खर खर करता रहेगा। प्यार हुआ तो होने दो, नींद लगी तो सोने दो। यानी जब कल यक्षिणी आएगी तो उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा और पाशा सलामत बन जाएंगे हमेशा के लिए। तस्वीर नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती वो कब उठ जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए हुजूर ने भेजा है मुझे यहाँ अकबर की तस्वीर को सुहा करने, उसे आग लगाने। क्या? तुम सही कह रहे हो सुरसुरी, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी।
मेरे हुजूर बड़े मशहूर हो गई आपकी तमन्ना पूरी अकबर चल के खा अब बिरबल क्या बिरबल का बाप 20 लाख से अकबर को पैदा नहीं कर सकता मुबारक हो सुरसुरी असली मुबारकबाद तो हम हुजूर को देंगे तुझे तो पता भी नहीं मसक्कली उन्हें जो पुड़िया बिरबल के पानी में मिलाई थी वो कोई साधारण नीम की पुड़िया नहीं थी उसे तो कोई गलती से चख भी ले तो सदा के लिए सोता ही रहे मेरे हुजूर बड़े मशहूर बिरबल अब तू कभी नहीं उठेगा कभी नहीं